तो फ्रेंड मैंने लगाया है एक फेयर एंड लवली, और उसके बाद मैंने लगाया थोड़ा सा लिपस्टिक। अभी मैं लगा लेती हूँ एक ठो बिंदी और बस मेरा मेकअप हो गया। मैं कोई मेकअप नहीं करूँगी, बस मैं विदाउट मेकअप। उसमें भी मेरी कंघी खो गई, पता नहीं कहाँ मिली नहीं रही है। तो बाबू तो अभी सो रही है, मैं दिखा रही हूँ आपको, सोच रहे हैं कि मेरी साड़ी पहन ले। तो अभी ना कंघी ना कुछ कुछ नहीं हुआ है, तो अभी चल रहे हो जाते हैं जल्दी फटाफट रेडी। तो इनमें तो अभी हम कंघी कर नहीं पाएंगे, इनको इनको बैक कर देते हैं। तो फाइनली ये है मेरा साड़ी, तो मैं ये पहनने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट थोड़ी देर में अभी जाते हैं आप लोग से। तो फ्रेंड थोड़ी देर तो वेट करना पड़ेगा आप लोग को, क्योंकि मतलब मेकअप नहीं करना है, नॉर्मली रेडी होना है थोड़ा सा। तो चलिए फटाफट रेडी हो जाती हूँ, फिर आप लोग से मिलती हूँ, ठीक है। गुस्सा हो गए हैं जरा। हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने बनाया है प्रसाद, तो प्रसाद बना लिया है मैंने, देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे है चना मिर्च, और यहाँ पे है थोड़ा सा मेवा, और यहाँ मिश्री मखाना, थोड़ा सा मक्खन, और थोड़े से फ्रूट, थोड़े से जो है साबुदाने के प्रसाद, सारे कुछ मैंने रेडी कर लिए। उसके बाद मैं फटाफट बनाऊंगी कोफ्ता। कोफ्ता आप देख सकते हैं फ्रेंड मेरा इसी तरीके से बनके रेडी हो गया है, और आप लोग भी थोड़ा थोड़ा ऐसे कभी कभी कुछ ना कुछ बना लिया करिए, क्योंकि मज़ा आता है खाने में फ्रेंड। और तो मैंने सुबह का टाइम बनाया था, तो मैंने यहाँ पर ग्रेवी रेवी सब कुछ डेली का जैसे मैं बना के डालती हूँ, मैंने उसे बना के डाल दिया। फटाफट बना के डालने के बाद यहाँ पे आके मैं पकौड़ियाँ, तो मैं ऐड करूँगी पकौड़ी। तो मैंने आज थोड़ा सा गोला गोला छोटा छोटा पकौड़ियाँ बनाई थी, नहीं मैं कोफ्ते के लिए हमेशा बड़ी पकौड़ी बनाती हूँ फ्रेंड। तो इसको के लिए अच्छे से मिक्स कर देते हैं, फिर थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे हल्का सा, फिर उसके बाद मैं डालूँगी नमक। तो सारा प्रोसेस इसी तरीके से रहेगा फ्रेंड। मैंने इसमें नमक डाल ली हूँ फ्रेंड, इसमें चलिए नमक मिला लेते हैं। आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डालिए, जितना आप बनाए हैं कम ज़्यादा। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी, पानी क्योंकि ग्रेवी बहुत ही गाढ़ी है ग्रेवी, तो इसके वजह से मैं थोड़ा ही पानी डालूँगी, क्योंकि मैं सुबह के खाने में बनाई थी, और शाम को खाने में बनाती हूँ तो ओनली सब्जी रहती है या फिर कोफ्ते रहते हैं। सुबह मैं दाल वगैरह सारे कुछ बनाई थी, तो इसकी वजह से मैंने थोड़ा सा ग्रेवी ज़्यादा गाढ़ा रखा है, क्योंकि नाश्ते में भी सब खाएँगे। और अभी इसमें कुछ बाकी है, तो वह है धनिया पत्ता, इसको फ्रेंड बनना देखते हैं। आज मैं थोड़ा सा पहन ली थी नाइटी, क्योंकि मेरे यहाँ हो रहा था बारिश, इसकी वजह से मैं अपना फ्रंट का लुक नहीं दिखाई, और थोड़ा सा बंद हो जाएगा तो मैं साड़ी पहन लूँगी। थोड़ा सा मैंने इसमें ऐड किया अमचूर पाउडर, जिसको आप बोलते हैं ड्राई मैंगो, फिर उसको हम अच्छे से करेंगे मैश। मैश करने के बाद हम इसको थोड़ी देर ढकेंगे, ढकने के बाद फिर हम मिलते हैं आपसे फटाफट से। फ्रेंड बहुत ही गाढ़ा बना है, बहुत ही बढ़िया बना है, आप लोग तो देख लिए हैं। तो फ्रेंड इसी तरीके से चलिए अभी रेडी हो गया है, थोड़ा सा इसमें डालेंगे धनिया पत्ता। तो धनिया पत्ता मैंने इसमें ऐड कर दिया, तो प्लीज़ आप लोग फ्रेंड ज़रूर बताना कि कोफ्ते कैसे लगे हैं।